था, उसके बाद से आपका शो नंबर वन हो गया। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है, और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए, और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया, और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया, और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले दो एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है, और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को टोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप के जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है, तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया, और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ, तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए खा रहे थे, और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं, और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे, और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि यह कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है, और मैच के हम जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए, और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीज़न का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं, जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है, और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए, और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया, और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया, और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले दो एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज
साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलर को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है, और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को टोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है, तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया, और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे, और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं, और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे, और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है, और मैच के हम वो जो कि बोर बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे, इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए, और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूँ। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है, और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए, और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया, और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया, और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे, और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है, और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का
का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच ख़त्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि यह कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम जो कि बार्बी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे, इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीज़न का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था और जैसे ही जो कि कैसे अनपनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलर को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच ख़त्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा
जो कि ये कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा, ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम वो जो कि बारहवीं जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूँ। और रोहित शर्मा ने बताया कि 2020 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी प्लेट जो कि एपिसोड को देख सकते हैं, जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया। और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच ख़त्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि यह कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा, ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम जो कि बारहवीं जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि 2020 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को
खूब पसंद आ रहा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी प्लेट जो कि एपिसोड को देख सकते हैं, जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है, और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए, और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया, और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया। और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले दो एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनपनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलर को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है, और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है, तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया, और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ, तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे, और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं, और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आप जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे, और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है, और मैच के हम वो जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे, इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए, और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूँ। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी प्लेट जो कि एपिसोड को देख सकते हैं, जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है, और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए, और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया, और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया। और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले दो एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे
अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलाश को जो कि एक बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को टोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप के जो कि विनिंग टीम के जो कि पांच जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि पाँच बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के पांच बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि यह कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीज़न का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया। और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को टोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि पांच जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि पांच बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का
का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम वो जो कि बारहवीं जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे, इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूँ। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप के जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा
जो कि ये कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा, ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि 20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीज़न का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी प्लेट जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था और जैसे ही जो कि कैसे अनपनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलर को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी, इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा, ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूँ।
और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी प्लेट जो कि एपिसोड को देख सकते हैं, जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है, और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए, और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया, और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया, और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले दो एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है, और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है, तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया, और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच ख़त्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए खा रहे थे, और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं, और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे, और इसके पीछे की क्या वजह थी इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि यह कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है, और मैच के हम जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे, इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए, और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी प्लेट जो कि एपिसोड को देख सकते हैं, जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है, और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए, और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया, और जो कि
सभी ने खूब हंसी मजाक किया और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए। जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले दो एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलर को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को टोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है, तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ, तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे। और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं, और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा, ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम वो जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए, और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूँ। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया, तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया। और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए। जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले दो एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलर को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को टोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है।
इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप के जो कि विनिंग टीम के जो कि पांच जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि पाँच बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के पांच बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि यह कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम जो कि बारबी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीज़न का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया। और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया, हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि पांच जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि पांच बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के पांच बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए
खा रहे थे। और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं, और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी। इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम वो जो कि बारहवीं जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए, और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूं। और रोहित शर्मा ने बताया कि 20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई चाह रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया, और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज़्यादा देखा गया था जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी, लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था, और जैसे ही जो कि कैसे अनफनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कला को जो कि बखूबी निभाया, हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप के जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंट से लगाते हुए खा रहे थे, और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं, और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वहीं जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी। इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने कहा ट्रॉफी जो कि सीधे BCCI के दफ्तर में जाती है और मैच के हम जो कि
बार्बी जो कि डोज में 3 दिन फंसे हुए थे। इस दौरान होटल में टीम का हर खिलाड़ी 15-15 मिनट के लिए ट्रॉफी अपने रूम में ले गया और साथ ही में फ़ोटो खिंचवाई और साथ में लेकर सोए और मैं इस जीत से काफ़ी खुश हूँ। और रोहित शर्मा ने बताया कि 20 वर्ल्ड कप में इंडिया लगभग हारने वाला था, तभी ऋषभ पंत ने ट्रिक लगाई जिससे टीम हारा हुआ मैच जीत गया। दोस्तों इसी तरीके से हमका जो कि इस सीजन का जो कि रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों आजकल जो कि ये एपिसोड दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स को ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जाकर आप पूरी प्लेट जो कि एपिसोड को देख सकते हैं जहां ये मिल जाएगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो का जो कि दूसरा सीजन आ चुका है और आप लोगों को बता दें इन दिनों लगातार इसके कई सारे एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 2 के दूसरे एपिसोड के साथ वापस आ गए और तीसरे एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने रोहित शर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया, जबकि सभी ने जो कि विश्व कप जीत का जश्न मनाया। तो मुंबई जा रहा राजा ने जो कि अपने सड़कों को मौका दिया और जो कि सभी ने खूब हंसी मजाक किया और सभी को पता है कि पिछले सीजन में रोहित शर्मा का एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया था जिससे वह सभी एपिसोड में जो कि विजेता बन गए, जबकि कपिल शर्मा और जो कि उनकी टीम पिछले 2 एपिसोड में संघर्ष कर रही थी लेकिन तीसरे एपिसोड में वो सभी फार्म में जो कि थे। और वास्तव में जो कि इस एपिसोड का जो कि सरप्राइज जो कि पैकेज साउंडस था और जैसे ही जो कि कैसे अनपनी जो कि पंच गए और जाए कि जो कि कलर को जो कि बखूबी निभाया। हालांकि उनके सेट के लिए जो कि लेखन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो हंसी मजाक करने में सफल रहे। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो का द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है और शो का तीसरा एपिसोड बीती रात शनिवार को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप की जो कि विनिंग टीम के जो कि 5 जो कि धुरधार खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और आदर्श अर्शदीप सिंह और जो कि अक्षर पटेल शिवम दुबे पहुंचे थे, जिनका जो कि कपिल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर पहले तो कपिल ने जो कि सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का जीतने के बाद जो कि उन्हें मुबारकबाद दी, जिसके बाद रोहित शर्मा ने शो में जो कि 5 बड़े खुलासे किए। अगर आपने सभी तक जो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो 2 का जो कि लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो हम आपको इस शो के 5 बड़े हेडलाइंस बताएंगे जो आप शो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कपिल शर्मा ने आते ही रोहित शर्मा को लेकर दिलचस्प खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ तब रोहित जो कि शर्मा पिच की मिट्टी को ओंठ से लगाते हुए खा रहे थे और इस पर रोहित ने जवाब दिया, उस वक्त ऐसी फीलिंग थी कि हमने इतने साल में मेहनत की और उस जो कि उसी पिच पर जो कि खेलते हैं और जीतते हैं और हारते हैं और इसलिए फाइनल जीतने के बाद मुझे बस रखना जो कि चखना था और मिट्टी का स्वाद कैसा है। वही जो कि कपिल शर्मा ने अपने आज जो कि दर्शकों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अपने रोबोटिक स्टाइल में जो कि चले थे और इसके पीछे की क्या वजह थी, इस पर क्रिकेटर ने कहा जो कि ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि जो कि राज कोई वर्ल्ड कप जो कि जीतता नहीं है, इसलिए जब जीता तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और वहीं जो कि जब कपिल शर्मा ने रोहित शर्मा से पूछा कि मैच की ट्रॉफी को जीतने के बाद जो कि टीम का कौन सा खिलाड़ी उसके पास रखता है, इस पर जवाब देते हुए क्रिकेटर ने